तो भाई लोग भर भर के टेक न्यूज है हमारे पास में। वन प्लस के बारे में एक ऐसी खबर आई है जो वन प्लस फैन जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और इवन मैं भी वन प्लस का फैन नहीं हूँ तो मुझे भी वो चीज़ बुरी लग रही है। वेल बुरी न्यूज जो है बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग वन प्लस 10T के बारे में बात कर लेते हैं। वन प्लस 10T के जो है रेंडर्स रिवील हो चुके हैं, लीक्स निकल कर आई है हमारे पास में। वेल जो लीक्ड रेंडर्स हैं वो अगर आप लोग देखेंगे देन इसका जो डिज़ाइन है वो हमें कुछ सिमिलर देखने को मिल जाएगा वन प्लस 10R लाइट से। वेल जो 10R लाइट का जो हमें डिज़ाइन देखने को मिला ना बैक की साइड, कुछ वैसा हमें यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिल सकता है वन प्लस 10T का। इसके अलावा जो कैमरा बम्प है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा देखने को लग रहा है। इसके अलावा इसकी जो डायमेंशन है ना वो अभी क्लियर नहीं है कि हमें क्या क्या यहाँ पर साइज़ देखने को मिलेगा। वेल कितनी थिकनेस देखने को मिलेगी, क्या इसका एक्चुअल साइज़ रहेगा, ये चीज़ें अभी रिवील नहीं करी गई है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले के बारे में हमारे पास में डिटेल्स आ चुकी हैं, जैसे कि इसमें हमें 6.7 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। वेल इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बन सकती है, तो हो सकता है कि वो मैं नेक्स्ट वीक अपलोड कर दूं, लेकिन अभी यहाँ पर ऊपर ऊपर से इसकी जो डिटेल है वो डिस्कस कर लेते हैं। वेल अभी इसके रेंडर्स लीक हो चुके हैं तो इसका मतलब कि इसका जो लॉन्च है वो काफ़ी नज़दीक है, तो हो सकता है कि हमें 1-2 महीने के अंदर अंदर ही इसका जो लॉन्च है वो हमें देखने को मिल जाए। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो वन प्लस 10 है जो ओरिजिनल 10 है उसका कोई भी अता पता नहीं है। पिछली टेक न्यूज़ में मैंने बताया था कि हो सकता है कि हमें ये ना देखने को मिले, और अभी भी र्यूमर वही चल रहे हैं कि हमें हो सकता है कि वन प्लस 10 जो है ना देखने को मिले। और जो वन प्लस 10T है वो इस साल का आखिरी फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है वन प्लस की तरफ से। कोई हमें वन प्लस 10 अल्ट्रा नहीं देखने को मिलेगा, कोई वन प्लस 10T प्रो नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पर वन प्लस 10T देखने को मिलेगा जो कि लास्ट फ्लैगशिप होने वाला है वन प्लस का इस साल का। चलिए अभी बात करते हैं यहाँ पर बुरी खबर के बारे में जो कि वन प्लस फैंस के लिए डाइजेस्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। वन प्लस के जो लॉयल फैंस हैं उनके लिए सच में ये चीज़ जो है काफ़ी बुरी रहने वाली है। तो आपने यहाँ पर नोटिस करा होगा कि जो वन प्लस है वो अलर्ट स्लाइडर सिर्फ अभी हमें प्रो मॉडल्स में दे रही है। रिसेंटली अभी जो काफ़ी मॉडल्स आए हैं जैसे कि वन प्लस 10R आया है, वन प्लस 10R लाइट आया है, और इवन यहाँ पर हमें नोट सीरीज में भी अभी हमें कोई भी अलर्ट स्लाइडर नहीं देखने को मिल रहा है। जो वन प्लस का टिपिकली अलर्ट स्लाइडर है वो हमें सिर्फ वन प्लस के प्रो मॉडल्स में ही देखने को मिलेगा, कोई नॉन प्रो मॉडल में हमें ये अलर्ट स्लाइडर नहीं देखने को मिलेगा। खैर जो वन प्लस का अलर्ट स्लाइडर है ये हमें वन प्लस 1 से देखने को मिल रहा है। पहला जो फ़ोन आया था वन प्लस का तब से ये बाकी के सारी फ़ोन्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है नॉन प्रो मॉडल्स में हमें नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ प्रो मॉडल्स में ही हमें टिपिकली जो अलर्ट स्लाइडर है वो हमें देखने को मिल रहा है। वेल ये तो एक न्यूज़ है, दूसरी न्यूज़ सुनिए जो कि मुझे काफ़ी वियर्ड लगी। वेल जो वन प्लस का जो टिपिकली अलर्ट स्लाइडर है वो वन प्लस के फ़ोन्स में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अभी ये हमें ओप्पो के फ्लैगशिप फ़ोन्स में भी देखने को मिलेगा। वेल दोस्तों ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी बुरी लगी और काफ़ी वियर्ड लगी, क्योंकि धीरे धीरे वन प्लस जो है वो ओप्पो में शिफ्ट हो रही है, टोटली ओप्पो ही बनती जा रही है। एक तो इनका जो ऑक्सीजन ओएस है उसमें हमें सिर्फ ऑक्सीजन ओएस की लेयर देखने को मिलती है, और कलर ओएस ही वो टोटली देखने को मिलता है। बाकी के जो स्मार्टफोन्स भी आ रहे हैं ना इनके, वो भी ओप्पो कंपनी से रीब्रांड होकर आ रहे हैं, ओप्पो से या फिर रियलमी से इनकी रीब्रांडिंग ही देखने को मिल रही है। तो अभी ये चीज़ें जो हैं वन प्लस के जो लॉयल फैंस हैं उनके लिए काफ़ी बुरी रहने वाली है। और इवन मैं तो यहाँ पर डेफिनेटली कहूँगा आपको कि अगर ये चीज़ आपको बुरी लग रही है डेफिनेटली आप नथिंग कंपनी पर मूव हो सकते हैं या फिर आप कोई और कंपनी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जो वन प्लस है वो लगातार अपने फैंस को डिसअपॉइंट कर रही है। और इवन मैं फैन नहीं भी हूँ फिर भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है वन प्लस की इस तरह से मूव से। इसके अलावा नथिंग से मुझे याद आया कि नथिंग पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है नथिंग फोन वन पर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ जो कि है वन प्लस नोट 2T के बारे में। वेल ये जो फ़ोन है ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल का मतलब यहाँ पर यूरोपियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है, लेकिन इसका जो लॉन्च अभी इंडिया में पेंडिंग है। मैंने पुरानी टेक न्यूज़ में मैंने बताया था कि इसका जो लॉन्च है वो हमें इंडिया में इसी मंथ देखने को मिल सकता है, तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका जो लॉन्च है वो इसी मंथ ही देखने को मिलेगा। वेल अभी इसकी एग्जैक्ट लॉन्च डेट रिवील नहीं करी गई है, लेकिन इसका जो लॉन्च है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो लॉन्च है वो हमें 30 तारीख से तो पहले देखने को मिल जाएगा। वेल वन प्लस क्या कर रही है ना, अभी हर एक मंथ में एक अपना नया फ़ोन लॉन्च कर रही है, एक एक करके फ़ोन लॉन्च कर रही है। पहले क्या था कि इनके 3-3 फ़ोन एक साथ आ जाते थे, जैसे कि वन प्लस की 10 सीरीज़ है अभी एक एक करके आ रही है। पहले वन प्लस 9 में हमें तीनों फ़ोन एक साथ में देखने को मिल गए थे,
तो अभी वन प्लस ने ना अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो टोटली चेंज कर दी है। अभी एक साथ फ़ोन लॉन्च करने की बजाय अभी ये एक एक करके अपने फ़ोन जो है हर मंथ लॉन्च कर रहे हैं। अभी इस मंथ हमें वन प्लस नोट 2 टी देखने को मिल जाएगा, नेक्स्ट मंथ हमें हो सकता है कि वन प्लस 10R लाइट देखने को मिल जाए, और उसके अगले मंथ हमें शायद हो सकता है कि वन प्लस नोट 3 देखने को मिल जाए, उसके अगले मंथ वन प्लस 10T देखने को मिल जाए। तो अभी वन प्लस क्या कर रही है, अभी हर एक मंथ में अपना एक फ़ोन लॉन्च कर रही है, क्वांटिटी इंक्रीज कर दी है और जो क्वालिटी है उसमें इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। फ़ोन रीब्रांड होकर आ रहे हैं, ऑक्सीजन ओएस कलर ओएस बन गया है, और जो अलर्ट स्लाइडर है वो वन प्लस से शिफ्ट होकर ओप्पो में जा रहा है।